हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिव्या हमेशा से ही एक होनहार और होशियार लड़की थी और साथ ही अपने माता पिता की एक संस्कारी बेटी भी थी। वो अपने कॉलेज में हर कंपटीशन में फर्स्ट आती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज में एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेती है जिसमें वो फर्स्ट आती है और ट्रॉफी लेकर अपने घर जाती है, जहां उसकी माँ संध्या और पिता गोपाल हॉल में ही बैठे होते हैं, जिसके बाद वो दबे पांव घर में घुसती है और तभी गोपाल बोलता है, ऐसे चोर की तरह आने की क्या जरूरत है, तेरा अपना ही घर है। क्या पापा, मैंने तो कोई आवाज भी नहीं की थी अपने आने की, फिर आपको कैसे पता चल गया मेरे आने का। वो सब छोड़ और अपने हाथों में जो तू छुपा रही है ना, वो दिखा। आपको ये भी पता है कि मेरे हाथ में ट्रॉफी है, माँ पापा ने कहीं मेरे पीछे जासूस तो नहीं लगा रखे। पागल लड़की, तेरे पापा को तेरे गाने के कंपटीशन के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, समझी। अच्छा, तो आपको पूरा भरोसा था कि मैं ही जीतूंगी। जिसकी बेटी इतनी होनहार हो कि जिसे कुकिंग, सिंगिंग, डांस, डिबेट करना इतना कुछ आता है, उस बेटी के जीतने का भरोसा होना तो स्वाभाविक ही है ना। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दिव्या का भाई अनुज अपने फोन में गेम खेलता हुआ बाहर आता है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, और एक ये नलायक तेरा भाई, ये सारा दिन बस मोया फोन में घुसा रहता है। अरे तेरे थोड़े से गुण इसमें आ जाते तो बेड़ा पार हो जाता तुम दोनों का। माँ, यहाँ दीदी की बात चल रही है तो आप मुझे बीच में क्यों ला रहे हो। वैसे पापा, दीदी को इतना कुछ आता है तो वो बड़े होकर क्या बनेंगी, इसके लिए उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा। तू चुप कर, उसने पहले ही सोच लिया होगा कि उसे क्या बनना है ना दिव्या। पापा, अब आपसे क्या ही बोलूं, मेरा सपना नहीं बल्कि बहुत सारे सपने हैं, लेकिन उन सब में से सबसे जरूरी बस एक ही है, वो भी एक बहुत अच्छी और सफल वकील बनने का। भगवान तेरे सभी सपनों को पूरा करने में तुझे खूब मदद करे मेरी बेटी। इतना बोलकर संध्या दिव्या को अपने गले से लगा लेती है और गोपाल अनुज भी मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। दिव्या के पिता गोपाल एक इंजीनियर थे, जिसकी वजह से वो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन वो एक बिल्डिंग के नीचे खड़े अपने एक साथी से बातें कर रहे थे कि तभी ऊपर से कुछ ईंटें आकर उनके सर पर गिर जाती है और उनके सर में चोट लगने की वजह से गोपाल की वही मृत्यु हो जाती है। और अपने पापा के जाने पर दिव्या बहुत दुखी थी, जिसके कारण उसकी पढ़ाई भी बीच में ही छूट जाती है और वो एक कॉल सेंटर में काम करने लगती है। एक दिन उसकी माँ उससे बोलती है, दिव्या बेटा, मैंने तेरे लिए एक बड़े और अच्छे घर से रिश्ता देखा है, तू बहुत सुखी रहेगी बेटा। माँ, मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है आपको। बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ कौन साथ छोड़ जाए किसी को नहीं पता। तेरे पापा तो चले गए, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, मेरी अंतिम इच्छा समझ कर ही तू इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दे। माँ, तुम ऐसा मत बोलो, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। जिसके कुछ समय बाद ही दिव्या की शादी रोहित नाम के एक लड़के से धूमधाम से होती है और वो अपने ससुराल के माहौल में ढल जाती है। ऐसे ही एक दिन वो मार्केट जा रही थी, तभी वो देखती है कि एक औरत फोन पर बातें करते हुए रोड क्रॉस कर रही है। तभी सामने से आता उसे एक बड़ा ट्रक दिखाई देता है और ये देखकर वो जल्दी से उस औरत के पास जाकर उसे धक्का दे देती है और दिव्या का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। वो औरत कुछ लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाती है और कुछ ही देर में उसकी सास और पति भी वहाँ आते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर, दिव्या ठीक तो है ना, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना। हाँ डॉक्टर, आप चुप क्यों खड़ी हैं? कुछ तो बोलिए। आप लोग पहले दिव्या को एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको सब समझाती हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर उन्हें दिव्या के पास लेकर जाती है। रोहित दिव्या को देखता है तो उसके सर पर पट्टी बंधी होती है और वो चुपचाप से बेड पर बैठी होती है। तभी निर्मला उसके पास आकर बोलती है, बहू बहू तू ठीक तो है ना, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई। माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। दिव्या, ये सब कैसे हो गया। उसके इतना बोलते ही दिव्या हवा में अपने हाथ हिलाते हुए
रोहित को ढूंढने लगती है और बोलती है, रोहित अब कहाँ है, मेरे पास आइए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। दिव्या मैं यहीं तो हूँ तुम्हारे पास, देखो। डॉक्टर, दिव्या ऐसे क्यों बोल रही है, बात क्या है आखिर? देखिए आप शांत हो जाइए, वैसे तो इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से ये अपनी देखने की शक्ति खो चुकी है। सो नाउ शी इज ब्लाइंड। डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहू अंधी कैसे हो सकती है? बहू तू मुझे देख पा रही है ना, बता। दिव्या निर्मला की बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी बात कहने को नहीं थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आती है और चश्मे डंडे के सहारे से रोजमर्रा के कामों को किया करती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन दिव्या टीवी के सामने बैठी अदालत नाम का शो बड़े ध्यान से सुन रही होती है। तभी उसकी सास कमरे से मटर लेकर आती है और बोलती है, ले बहू ये मटर छिल दे। माँ जी आप जो ये शो देख रही हैं, इसमें जिसने वकील का किरदार निभाया है वो कितनी अच्छी डिबेट करती है ना? मैं तो देख ही रही हूँ, पर जब तू अंधी है तो फालतू में टीवी चला कर क्यों बैठी है, बंद कर इसे और ले मटर छिल। इतना बोलकर वो चली जाती है और दिव्या अपने उस पल को याद करने लगती है जब उसने अपने पापा को कहा था कि वो वकील बनना चाहती है, और उन पलों को याद करके वो दुखी हो जाती है। रात को जब सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, तभी वो रोहित के लिए दूध लेकर आती है और रोहित उसके हाथ से ग्लास लेकर बेड पर उसे बिठाता है, बोलता है, तुम भी ना कितना मना करता हूँ लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती ना। रोहित जब से मैं अंधी हुई हूँ मैं तुम्हारे और माजी के लिए एक बोझ बन गई हूँ ना। खबरदार जो फिर ऐसा बोला तो, तुम मेरी बीवी हो, प्यार करता हूँ मैं तुमसे और चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। रोहित मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि आप मेरा सपना पूरा कर दे, ताकि मैं इस हालात में भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। पापा के जाने के बाद मेरी LLB की पढ़ाई अधूरी छूट गई थी, मैं उसे वापस से पूरा करना चाहती हूँ ताकि मैं एक काबिल वकील बन सकूँ। अपनी आंखें खोने के बाद भी तुम अपना सपना पूरा करने की सोच रखती हो तो भला तुम्हारा साथ देने से कैसे पीछे हट सकता हूँ मैं। इतना बोलकर वो दिव्या को अपने गले से लगा लेता है और दिव्या को उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करने में मदद करता है, और दिव्या भी ब्रेल लिपि से पढ़ाई कर अपनी ग्रेजुएशन कर LLB में एडमिशन लेती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी किताब हाथ में लेकर छू कर कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आकर बोलती है, पढ़ाई लिखाई हो गई हो तो मैडम खाना खा लो, आपकी सास ने खाना लगा दिया है। माँ जी आप खाना लेकर क्यों आई है, मैं आ जाती ना बाहर। अब तू अपना सपना पूरा करने में इतनी खो गई है कि तू ये भूल गई कि तू अपने ससुराल में है, जहाँ तेरी सास तुझ जैसी अंधी बहू को झेल रही है। तभी वहाँ रोहित आ जाता है और निर्मला की बातें सुनकर गुस्से में बोलता है, माँ ये आप किस तरह से बात कर रही हैं दिव्या से? सही ही बोल रही हूँ, अरे जिसकी आंखें ही नहीं है उसके सपने देखने का क्या मतलब, फालतू में ही तू इस पर अपना पैसा बर्बाद मत कर, समझा। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर रोहित उसकी बातें नहीं मानता और दिव्या का साथ देता है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और दिव्या अपनी लॉ की पढ़ाई को पूरा कर लेती है और एक अच्छे वकील के पास असिस्टेंट बनकर सीखने लगती है, और कुछ समय बाद अपनी मेहनत और लगन से एक बहुत बड़ी वकील बन जाती है। वो कोर्ट में अपने पहले केस की दलील देते हुए बोलती है, माय लॉर्ड ये सारे सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कैसे इस मुजरिम ने मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए ये सारी साजिश रची। मैं चाहूंगी कि आप सारे सबूतों को देखकर इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दें और मेरे क्लाइंट को बाइज़त बरी करें। जिसके बाद कोर्ट में सभी लोग दिव्या के लिए ताली बजाते हैं और उन्हीं लोगों में दिव्या की सास और पति भी मौजूद थे, जो सबके जाने के बाद उसके पास आकर बोलते हैं, क्या बात है वकील साहिबा, पहले ही केस में बाजी मार ली। रोहित माजी नहीं आई क्या? कैसे नहीं आती बहू, तुझे अपना सपना पूरा करता देख मुझे खुद पर शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा। नहीं माजी वो सब भूल जाइए, मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है। तेरा ये सपना पूरा करने में तो मैं तेरा साथ नहीं दे पाई, लेकिन अब तेरे हर सपने को पूरा करने में मैं तेरा साथ जरूर दूंगी। गरिमा एक बहुत ही सुंदर और अनाथ लड़की थी,
वो अकेले ही दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहा करती थी। वो अपने घर खर्च को चलाने के लिए एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो फोन उठाती है और बोलती है, हेलो, कौन? जी मैं राहुल, क्या आप मेरी बात नेहा से करवा सकते हो? जी सॉरी, रॉन्ग नंबर। ओह कोई नहीं मैम, रॉन्ग नंबर को राइट नंबर बना देते हैं। मतलब? अरे मतलब अब नेहा नहीं है तो आप ही बात कर लो ना मुझसे। अरे समझ में नहीं आता क्या, फोन में घुसकर मुंह तोड़ दूंगी अगर एक और शब्द बोला तो। समझ में आया? अब सॉरी यार, बुरा मान गई तुम तो। मैं पूछती हूँ तुम हो कौन, सच सच बता दो मुझे। रियली मैं तुम्हें नहीं जानता, नेहा मेरी फ्रेंड है, उसे बात करनी थी और शायद एक डिजिट गलत होने से रॉन्ग नंबर लग गया। वैसे तुम्हारी आवाज माशाल्लाह बहुत कमाल की है। फोन रख। गरिमा फोन काट देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और राहुल आए दिन नंबर बदल बदल कर गरिमा को फोन किया करता और उससे बात करने की कोशिश करता रहता। एक दिन सबसे परेशान होकर गरिमा खुद राहुल को कॉल करती है और उससे कहती है, राहुल मुझे तुमसे मिलना है। सच में? हाँ। ठीक है फिर तुम मुझे राजीव चौक मिलना, मैं ब्लैक शर्ट पहन कर आऊंगा और गेट नंबर 5 पर मैं वेट करूंगा। अगले ही दिन गरिमा तैयार होकर मेट्रो से राजीव चौक जाती है और राहुल को ढूंढती है। तभी उसकी नजर गेट के पास खड़े ब्लैक शर्ट पहने राहुल पर जाती है और वो उसके पास जाकर कहती है, तुम ही हो ना राहुल? जी मैं ही हूँ। इसी तरह बात करते करते दोनों कॉफी पीने चले जाते हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। राहुल और गरिमा आए दिन एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन राहुल गरिमा को एक होटल के रूम में ले जाता है। राहुल हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे बाबा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने। पर मुझे यहाँ थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा पहले से ही अजीब लगने लगा? क्या मतलब है? भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पे? ये भी कोई कहने की बात है, मैं खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम पर। तो फिर ये सब क्यों? छोड़ो राहुल। आज नहीं। देखो शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं है। प्यार और जंग में सब जायज है। नहीं राहुल फिर भी ये सब नहीं प्लीज। ठीक है आज के बाद मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। अच्छा सॉरी बाबा, ठीक है मैं तैयार हूँ। आई लव यू यार। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन गरिमा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो तुरंत राहुल के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। राहुल, राहुल, I'm pregnant. क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ और अब तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो। अबे पागल हो क्या? मुझे क्या पता ये बच्चा किसका है? आखिर दिखा दी ना तुमने अपनी असली औकात। अरे औकात तो तुम्हारी जैसी लड़की की पता चल गई। जब मेरे साथ तुम ये सब कर सकती हो तो फिर पता नहीं कितनों के साथ किया हो तुमने। अपनी तरह मुझे भी नीच समझने की गलती दोबारा मत करना। मेरी गलती ही क्या थी कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर विश्वास किया। इतना बोलकर गरिमा वहाँ से रोते हुए वापस अपने घर आ रही होती है कि तभी सामने से आती हुई एक बाइक उसको टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी एक लड़का उसे पीछे से अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे गिर पड़ते हैं और गरिमा तुरंत ही बेहोश हो जाती है। वो लड़का गरिमा को हॉस्पिटल ले जाता है। तभी डॉक्टर गरिमा का इलाज करने के बाद उस लड़के से बोलते हैं, जी देखिए आपकी वाइफ माँ बनने वाली है और इनको कोई बात बहुत ज्यादा सता रही है, इसलिए आप इनसे पूछिए कि आखिर बात क्या है, वरना इनके साथ साथ बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का गरिमा के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे आकाश तुम? जी मैडम,
आपको बाइक उड़ाकर ले जाती अभी अपने साथ, इसलिए मैंने हीरो की तरह एंट्री मारी और बचा लिया तुम्हें। ओ थैंक यू यार। तुमने बताया नहीं कि तुमने शादी कर ली। शादी नहीं तो फिर ये बच्चा? गरिमा उसे सारी बात बताती है, तभी आकाश उसे कहता है, यही गलती है लड़कियों की कि वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हैं। बट चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं उस राहुल को उसकी सजा जरूर दिलवाऊंगा। थैंक यू आकाश। आकाश गरिमा को उसके घर छोड़ देता है और आए दिन फोन करके या उसके घर आकर उसका हाल चाल पूछ लेता है। ऐसे ही एक दिन गरिमा के घर पर एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड आता है जिस पर लिखा होता है, राहुल वेड्स नेहा। गरिमा ये देखकर गुस्से से तंतना जाती है और वो आकाश को फोन करके सारी बातें बता देती है। दो दिन के बाद राहुल की शादी वाले दिन आकाश गरिमा और पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही आकाश नेहा की मांग भरने वाला होता है, वैसे ही गरिमा उसको रोकते हुए कहती है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। क्या बदतमीजी है ये? मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो भरी महफिल में सभी को अपनी और राहुल की पर्सनल पिक्चर्स दिखाती है और बोलती है, मैं माँ बनने वाली हूँ और वो भी राहुल के बच्चे की। इसने मुझे शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और जब मैंने इसे अपनी सच्चाई बताई तो ये साफ साफ मुकर गया कि ये मेरे बच्चे का बाप नहीं है। राहुल, क्या है ये सब? ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो तुम जाकर अपना DNA टेस्ट करवाओ, सब सामने आ जाएगा। फिर मुझे कुछ नहीं करवाना और यहाँ से निकलो। शादी इंजॉय नहीं कर सकती तो जाओ यहाँ से। राहुल, बातों को मत घुमाओ, जो सच है वो बताओ। बेबी, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? भरोसा? अरे राहुल, ये लाइन आखिर कितनी लड़कियों से बुलवाओगे तुम और कितनी बार बोलोगे, चुपचाप जाकर अपना DNA टेस्ट करवाओ। बोला ना नहीं करवाऊंगा मैं। रे बेटा, अब तक करवाना ही पड़ेगा, जब तक ये सच सामने नहीं आ जाता ना, अरे तू शादी भी ना कर सकता, समझा? हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते हुए शर्म नहीं आती क्या तुम जैसे लड़का को? देखा, तेरे जैसे पता नहीं कितने 36 आशिक रखे होंगे इस महारानी ने, और बच्चा भी तुम में से ही किसी का होगा, और इल्जाम मुझ पे लगा रही है। रस्सी जल गई पर ऐश न गई तेरी। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? ऐसे हुई हिम्मत। पुलिस तुरंत उनका DNA टेस्ट करवाती है और कुछ घंटों बाद जब रिपोर्ट्स आती है तो सबको पता चल जाता है कि गरिमा का बच्चा किसी और का नहीं बल्कि राहुल का ही है। नेहा भी उससे सारे रिश्ते खत्म कर लेती है और इंडिया से बाहर चली जाती है। तो वहीं राहुल को शादी का झांसा देकर और फिजिकल रिलेशन बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में जाने के बाद राहुल को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन आकाश गरिमा को प्रपोज करके उसी दिन उससे मंदिर में शादी कर लेता है और उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम देता है। साथ ही कुछ ही महीनों बाद गरिमा एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद वो लोग अपने जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।